हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं स्पेशली आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरे साथ भी हुई हैं, जो मैंने अपने प्लांट्स में गलत किए हैं और उनके रेपरकशंस क्या होते हैं, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हमें क्या मिलते हैं और उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हम इनमें चीज़ें गलत करते हैं उनको हम सुधार कैसे सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो सभी एक्सपीरियंस है वो मेरा अकॉर्डिंग मैंने लास्ट 3 ईयर्स में सीखे हैं और उसके साथ ही मैंने उन चीज़ों को इम्प्रूव भी किया है। सबसे पहले बात आती है हमारी वाटरिंग कंडीशंस की। जब हम वाटरिंग के बारे में बात करते हैं, जब इसके रिलेटेड हम कंसर्न करते हैं, इसमें हमें प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कौन से प्लांट्स कितनी ज़्यादा वाटरिंग अब्जॉर्व कर सकते हैं और कौन से प्लांट्स को वाटरिंग पसंद नहीं है। अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल प्लांट और सक्यूलेंट प्लांट की, उसमें आप बहुत ही ईजिली डिफरेंस पहचान सकते हैं। सक्यूलेंट प्लांट है जो अपने पत्तों में वाटर स्टोर करके रखता है, और जहाँ तक दूसरे प्लांट्स की होती है जिनकी ग्रीन लीफ होते हैं, पूरे थिन लीव्स होते हैं, उनको वाटरिंग बहुत ही रेगुलरली चाहिए होती है। और उसके बाद हमारा क्लाइमेट का जो एक फैक्टर आता है, अगर हम समर सीजन में बात करें, यहाँ पे हमारे पास सीजनल्स हैं। सीजनल्स क्या होते हैं, जो जिनमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो 6 मंथ्स के लिए या बहुत हाफ ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पे स्टे करते हैं, उनकी फ्लावरिंग ज़्यादा होने के कारण उसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम उसको 7 to 8 inches के पॉट में लगाते हैं, ये नॉर्मल साइज़ में आपको बता रहा हूँ, इसकी जो वाटरिंग कंडीशन है वो 2 times in a day होती है अगर हम समर सीज़न में बात करें। और जब हम इनको वाटरिंग करते हैं, हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कब वो ज़्यादा वाटरिंग लाइक मांगते हैं और कब उनकी वाटरिंग कंडीशन रिक्वायरमेंट कम होती है। जहाँ तक जीनिया का प्लांट है, जीनिया के प्लांट को मैं एक आफ्टरनून में वाटरिंग करता हूँ, एक सुबह वाटरिंग करता हूँ, उनको इवनिंग में बिल्कुल भी उन्हें वाटरिंग करता हूँ, क्योंकि जीनिया के प्लांट्स आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा हमारी जो सॉइल ड्राई हो जाती है जब इनके ऊपर आफ्टरनून की जो सनलाइट पड़ती है, जिसके साथ आपको ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। अगर हम इवनिंग में वाटरिंग करेंगे और सुबह वाटरिंग करेंगे, उस पर सेम इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो जीनिया के पत्ते हैं पूरी तरह से जल जाएंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली हम सभी के प्लांट्स में होता है, जो मेरे प्लांट्स में भी लास्ट ईयर हुआ था। बट इस बार मैंने इसको वाटरिंग बहुत अच्छे से प्रोवाइड की है और सभी प्लांट्स की आप हेल्थ चेक कर सकते हैं, जीनिया बहुत ही ईजिली ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब भी आप वाटरिंग करें आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है उसकी अपर सॉइल ड्राई है या मॉइस्ट है। अगर मॉइस्ट है तो थोड़े से बात कर दें, थोड़ा सा टाइम के बाद कर दें, जिसके साथ उसको ओवर वाटरिंग भी फील ना हो और रूट्स भी बिल्कुल रॉट ना हो। जो वाटरिंग कंडीशन है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं हमारे प्लांट्स उनके रिलेटेड, सो आपको वाटरिंग कंडीशन उसकी समझनी पड़ेगी। और सेकेंड चीज़, एक आपको डिफरेंस देखना है, अगर आउटडोर प्लांट है उसको आउटडोर रखें और जो इनडोर प्लांट है उसको इनडोर रखें। कभी कभार क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी इनडोर या आउटडोर नहीं चलते। जैसे पीस लिलिया, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, बट इसको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखकर ही हमारे यहाँ पे फ्लावर्स आएंगे। इसको अगर आप इनडोर रखोगे और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करोगे तभी आपके प्लांट ज़्यादा ईजिली ग्रो होंगे। सो ये चीज़ें आप बहुत मैटर करती हैं, आपका प्लांट की आइडेंटिफिकेशन और सेकेंड उसकी वाटरिंग कंडीशन। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो फर्टिलाइज़र इनटेक, हम जैसे कोई भी फर्टिलाइज़र देखते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूट्यूब पे, अगर हम सीवीड फर्टिलाइज़र डालेंगे, अगर हम ये फर्टिलाइज़र डालेंगे हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी विद इन अ वीक। अगर आपने 3 या 4 वीडियोस देखी हैं उनके रिलेटेड, आपने फर्टिलाइज़र प्रिपेयर कर लिया और वो फर्टिलाइज़र आपने कंटिन्यूसली अपने प्लांट्स पे दे दिया, जिसके साथ वो ओवरडोज हो जाएगा और आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा और आपका प्लांट पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा और उसको रिकवर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। इसके लिए आप फर्टिलाइज़र तभी करें जब आपके प्लांट में ग्रोथ ना हो रही हो। अगर आप सिंपल फर्टिलाइज़र लेना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा DAP के 4 to 6 granules। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र जब आप सॉइल प्रिपेयर करते हैं कोई भी प्लांट की, तभी आप डाल दे और उसके साथ क्या होगा, वो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र टिल द आपके जो प्लांट का लाइफ स्पैन है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से उसको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करता है। और जो हमारे पास 4th चीज़ है वो है पॉट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स हैं और सभी प्लांट्स को आप एक ही साइज़ के पॉट में लगा रहे हो, अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप कम प्लांट्स रखें पर उनके जो पॉट रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से उनके अकॉर्डिंग ही रखें। जैसे यहाँ पे हमारे पास वुडी प्लांट्स होते हैं काफ़ी सारे, जिनकी स्टेम वुडी होती है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं,
जिनमें फाइकस आ जाता है या अरेका पाम भी आ जाता है और क्रिसमस ट्री भी आ जाता है और रोजेस और हाइबिस्कस जो कि हैवी ब्लूमर्स होते हैं, इनके लिए पॉट रिक्वायरमेंट मिनिमम 10-12 इंचेस होनी चाहिए, जो कि मैंने भी अभी देखे मेरे प्लांट सभी 8 इंचेस के पॉट में लगे थे, बट अभी वो ईजिली ग्रो कर रहे हैं। और जिसके साथ क्या होगा, आपके प्लांट का जो रूट सिस्टम है आपके प्लांट का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अगर आप उसको ज़्यादा बड़े पॉट में लगाओगे, उसका जो रूट सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ेगा और न्यूट्रिएंट्स अपटेक ज़्यादा करेगा, जिसके साथ आपको जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं हिबिस्कस में बर्ड फॉल होती है या रोजेस में आपके प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप कौन सा पॉट ले रहे हो। मेरे यहाँ पे हिबिस्कस का प्लांट की बर्ड फॉल होने लग गई थी, जिसके साथ मुझे पता लग गया था इसकी जो रूट बाउंड हो गई है और इसका जो पॉट रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया, उसकी मैंने रूट कटिंग की। आप या रूट कटिंग करें या उसको डायरेक्टली नए पॉट में शिफ्ट करें जिस पॉट में वो ज़्यादा ईजिली ग्रो करे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अकॉर्डिंग टू पॉट अपने प्लांट को ग्रो करें। और ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई बहुत ही छोटा प्लांट ले रहे हैं, जैसे सकुलेंट के लिए आपने 15 इंचेस और 16 इंचेस का पॉट ले लिया, वो भी बहुत ही गलत चीज़ है अगर आप ज़्यादा प्रोवाइड करोगे। उसके साथ क्या होगा, मिट्टी में अगर मॉइस्ट ज़्यादा होगी मिट्टी, उसके साथ रूट रॉट होने का ज़्यादा डर रहता है। ज़्यादा बड़ा पॉट होगा उसका जो ऑफकोर्स जो उसकी वाटरिंग कंडीशन है वो भी ज़्यादा होगी, बट प्लांट के साथ क्या होगा वो ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी और आपके प्लांट की रूट्स के टच के साथ रूट्स को रॉट कर देगी। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं देखने में। और यहाँ पे आप हाइबिस्कस प्लांट देख सकते, इनको मैंने अभी 10 इंचेस के पॉट में शिफ्ट किया है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा शिफ्टिंग इनकी नहीं कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा 12-15 इंचेस मिनिमम पॉट रिक्वायरमेंट आपके प्लांट्स की होनी चाहिए। और थर्ड चीज़ आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये भी जो पॉट रिलेटेड ही है, कोई भी आप गमला लेते हैं पॉट लेते हैं, आप ब्लैक कलर के पॉट्स मैक्सिमम अवॉइड करें समर्स में, क्योंकि क्या होता है समर्स में हम ब्लैक पॉट्स को परचेज कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा चीप होते हैं, बेसिकली हम वहाँ से ले आते हैं, बट आपको एक चीज़ बहुत ही उसका जो डिसएडवांटेज है ड्रॉबैक है कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाते हैं। अगर आपके प्लांट्स जो रूट्स हैं उनकी पूरी तरह से टच में है ब्लैक पॉट के, उसके साथ रूट्स को बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगी या बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा और गर्म हो जाएंगी रूट्स, जिसके साथ नेचुरली आपके जो प्लांट्स की रूट्स हैं पूरी तरह से रॉट हो जाएंगी या उनके बाहर पानी आने लग जाएगा, जो कि एक तरह की रॉटिंग ही होती है। आप देखेंगे आपका प्लांट बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहने लग जाएगा क्योंकि उसकी रूट्स में पानी भर जाएगा और आपका प्लांट इवेंचुअली पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ब्लैक पॉट को मैक्सिमम आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, उसकी जगह आप कोई और कलर ले लें जो कि लाइट कलर्स होते हैं, वाइट कलर, येलो कलर और रेड कलर, ऐसे कलर्स अगर आप ऐड करेंगे, अगर आप प्लास्टिक पॉट्स लेना भी चाहते हैं और इसकी जगह आप टेराकोटा पॉट्स लेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू ब्लैक पॉट के जिसमें आपने प्लांट्स लगाई हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत ही ईजिली ग्रो होंगे आपके प्लांट्स और आपके प्लांट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये 5 चीज़ें हैं जो कि हम अपने प्लांट्स में निगलेक्ट करते हैं, बहुत ही स्मॉल थिंग्स हैं जो कि मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं। अगर आप प्लांट्स को ग्रो करते हो, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे, आपके मैक्सिमम प्लांट्स बचेंगे, उनमें ड्राइनेस नहीं आएगी और उसमें प्रॉब्लम्स या डिसीजेस जो भी आप कहते हैं वो भी कम आएंगी। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।